वेलकम एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो जो है वो दिल्ली जुडिशरी का नोटिफिकेशन है, उसके बारे में है। तो दिल्ली जुडिशरी की पब्लिक नोटिफिकेशन जारी हो गई थी 2 दिन पहले। तो मैं आपके लिए ये जो है 2 दिन बाद 2-3 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। बट कोई बात नहीं, पब्लिक अपॉइंटमेंट्स हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली। तो इसमें दिल्ली जुडिशरी ने सर्विस में के लिए सिविल जज के लिए जो वैकेंसी निकाली है, इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 53 हैं। तो 44 एक्साइटिंग एंड 9 एंटिसिपेटेड इन दिल्ली जुडिशियल सर्विस। जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2 सक्सेसिव स्टेज, 2 स्टेज में होगा। दिल्ली जुडिशियल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप विद 25% नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग फॉर सिलेक्शन फॉर द मेन एग्जामिनेशन। एंड सेकेंड इज़ अ दिल्ली जुडिशरी जुडिशियल सर्विस मेन एग्जामिनेशन रिटन फॉर सिलेक्शन फॉर कैंडिडेट फॉर कॉलिंग ऑफ वॉइस वर्सा वाइवा वॉइस। तो वाइवा के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो 2 स्टेज हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग हुई है 1/4 की, तो ये भी है। तो दिल्ली जुडिशियल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, उन्होंने डेट भी फिक्स कर दी है। डेट जो है फिक्स कर दी है, वो है डेट आपकी 10 दिसंबर की। 10 दिसंबर की इन्होंने डेट 2023, और एग्ज़ाम है वो भी, एग्ज़ाम टाइमिंग भी है, एग्ज़ाम टाइमिंग भी कर दी है। तो एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम टाइमिंग है 11 AM to 1:30 PM। तो ये डेट फिक्स है और फॉर्म इसको फिल कर सकते हैं। तो स्केल पे है वो बहुत ही अच्छा है, 77,840 का 13,600 जो बनेगा टोटल, वो 1,36,520 रुपये का है, और स्टार्टिंग में 77,840 रुपये है। तो बहुत ही अच्छा पे है। कैंडिडेट सेल बी एलिजिबल फॉर अपियर एग्जामिनेशन, वो सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन फॉर इंडिया। और कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबल है वो सिटीजन आर सिटीजन ऑफ इंडिया, अ पर्सन प्रैक्टिसिंग एज अ एडवोकेट इन इंडिया, और अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी एडमिटेड एज एडवोकेट अंडर द रूल एडवोकेट एक्ट। और वो जो है या तो प्रैक्टिस कर रहा हो या फिर उसको जो है वो योग्य होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट, नॉट मोर देन 32 ईयर्स ऑफ एज, 1st day of January ऑफ द दिस ऑफ द ईयर विच द एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट आर इन्वाइटेड। यानी कि एक को वो 32 साल 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। द अपर एज लिमिट ऑल्सो रिलैक्सेबल मैक्सिमम 5 ईयर्स इन द केस ऑफ एक्स सर्विस मैन एंड कमीशंट। तो उसके लिए 5 ईयर्स के लिए भी है। ऑफिसर्स जो है, चाहे एक्स सर्विस मैन है चाहे कमीशंट है, साथ ही साथ SC और शेड्यूल कास्ट SC और ट्राइब के लिए 5 ईयर्स लिमिट है, इज रिलैक्सेशन रिलैक्सेबल। नेक्स्ट, कमीशन ऑफिसर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर वेब रिट रेंडर्ड एटलीस्ट 5 ईयर्स मिलिट्री सर्विस, तो उनके लिए भी उन्होंने एज लिमिट में थोड़ी सी रियायत दी है। द अपर एज लिमिट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 ईयर्स दिया है उन्होंने PWD के लिए, कैटेगरी PW ये दिया है। कैंडिडेट्स शैल बी सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हाई कोर्ट एंड दिल्ली। तो उन्होंने ये बताया कि कैंडिडेट शैल सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली ऑनलाइन मोड, ओनली ऑनलाइन प्रेस्क्राइब्ड डेट एंड दिस इज अ डेट एंड टाइम एंड कमिटमेंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ न्यू लॉग एंड फिलिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म वो 7/11 स्टार्ट्स, इट विल बी स्टार्ट 7/11, 7 तारीख से स्टार्ट हुए हैं नवंबर में, और कहाँ तक जाएंगे, 22/11/2023 तक जाएगा लास्ट डेट। तो ये स्टार्ट है उसकी 7 तारीख से, 7 नवंबर और 22 तारीख को लास्ट डेट है। नेक्स्ट है जो फीस है नॉन रिफंडेबल है, वो भी सम ऑफ 15 रुपीज़, 1500 रुपये फॉर जनरल कैटेगरीज है, कैंडिडेट्स फॉर 400 रुपये जो है कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, फॉर रिजर्व कैटेगरी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज 40%। तो SC ST के लिए 400 रुपये और वैसे 1500 रुपये है, तो ये आपको 1500 भरना है। और कैंडिडेट शुड बी द पेड डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट चल रहे हैं, द कैंडिडेट कैन टेक प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म कीप इट फ्यूचर रेफरेंस, दे शुड नॉट सेंड द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म द हाईकोर्ट दिल्ली। और कैंडिडेट को क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल के रखना है एप्लीकेशन फॉर्म का, और उसको क्या करना है, द शुड नॉट सेंड द प्रिंट आउट और एप्लीकेशन फॉर्म को जो है भेजना नहीं है। द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी, तो शेड्यूल कास्ट की ब्रेकअप, जनरल की जो वैकेंसी है वो एक्साइटिंग या एंटीसिपेटरी 28 और 6 जो है टोटल हो जाएगी 34, SC की 2 है और 3 मिला के टोटल है 5, ST की 14 और 0, तो
एसटी की 14 वैकेंसी सबसे ज़्यादा, और टोटल जो है 44 वैकेंसी है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी 53 हैं, जिसमें जनरल की 28 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट, आउट ऑफ द अपर सीट 53 वैकेंसी, द रिजर्वेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैव हु हैव आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज 40% शैल बी फॉलो। तो ये उसके लिए कैटेगरी के लिए उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा उसके लिए। नेक्स्ट ये है, आप इसको देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स इसमें कैटेगरी में आते हैं वो इसको देख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द कैंडिडेट अप्लाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। देयर एडमिशन एट ऑल द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन फॉर विच दे आर एडमिटेड फॉर दिस कोर्ट विज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप्स मेन एग्जामिनेशन रिटेन एंड वाइब वॉज शैल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू देयर सेटिस्फाइंग द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन द क्वेश्चन ऑफ एलिजिबिलिटी वुड बी थॉर्डली एग्जामाइंड एट द सब्सिक्वेंट स्टेज इफ ऑन वेरीफिकेशन एट एनी टाइम बिफोर और आफ्टर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो मेन एग्जामिनेशन रिटन एट द बॉयज वाइवा वॉज इट इज़ अ फाउंड दैट दे डू नॉट फुलफिल एनी ऑफ द एलिजिबिलिटी कंडीशन देयर कैंडिडेचर फॉर द एग्जामिनेशन शैल स्टैंड कंसल्ट विदाउट एनी नोटिस ऑफ अदर रेफरेंस। डिटेल्स रिगार्डिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप्स मेन्स एग्जामिनेशन रिटन टाइप्स और बॉयज वर्सा एलिजिबिलिटी रिलैक्सेशन मार्क्स एंड अदर जनरल टर्म्स कंडीशन एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स आर गिवन इन द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल इन द ऑनलाइन पोर्टल लिंक फॉर विच वुड बी अवेलेबल वेबसाइट दिस इज अ वेबसाइट जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं अपना www.delhi-highcourt आप जाके इसको देख सकते हैं। तो ये उनका कहना है। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है और नोटिफिकेशन का जो उन्होंने दिया है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पे अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और नोटिफिकेशन अबाउट दिस वो आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ मैं तैयारी भी कराता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज़ इससे रिलेटेड दिल्ली जुडिशरी से आपको मिलते रहेंगे। तब तक फिर मिलते हैं, टेक केयर, नमस्कार।